नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ मैं स्वाति खबर इंदौर से है जहां जहाँ एमटीक्लाथ मार्केट में आयोजित टेक्सटाइल ट्रेड फेयर ने इस बार राजनीतिक रूप लिया तीन साल बाद आयोजित इस ट्रेड फेयर में आयोजकों ने क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ को नहीं बुलाया जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई अब समापन कार्यक्रम में एसोसिएशन ने गौड़ को विशेष रूप से पत्र लिखकर उन्हें बंपर ड्रॉ कार्यक्रम में आमंत्रित किया है व्यापारियों का कहना है की उन्होंने इसके लिए सहमति भी दे दी है सौ साल पुराने एमटीक्लाथ मार्केट में चौदह सितम्बर को जब छह दिन फेयर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ को ही आमंत्रित नहीं किया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अध्यक्षता सांसद शंकर लालवानी और विशिष्ट अतिथि मेयर पुष्यमित्र भार्गव का जिक्र था इसमें विजयवर्गीय और लालवानी उस दौरान दिल्ली में थे इसके चलते समारोह में शामिल नहीं हो सके थे बहरहाल कार्यक्रम में मालिनी गौड़ आमंत्रित नहीं करने का मामला राजनीतिक हलकों में काफी चर्चाओं में रहा चर्चा के लोगों का कहना था आयोजकों को कम ऐसी कम नाम तो कार्ड में प्रकाशित करना था दरअसल इसके पीछे एक कारण यह है की लक्ष्मण सिंह गौड़ के निधन के बाद भी व्यापारी गौड़े खेमे के साथ ही रहे इस बीच तीन साल पहले मार्केट व्यापारियों और हमाल हम यूनियन के बीच हुए एक विवाद ने इस मार्केट में राजनीतिक रंग घोल दिया तब मार्केट में पार्टी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक दिनेश शर्मा ने व्यापारियों से मारपीट की तो वहां बवाल मच गया इस दौरान तब एकलव सिंह ने समर्थकों के साथ सराफा थाने पहुंच कर तथा दबाव के बाद भी बावजूद दर्ज करवा दी हालांकि कुछ समय बाद दोनों पक्षों ने नाटकीय रूप ऐसी समझौता भी हो गया इसके बाद इस विधानसभा में विधानसभा दो के दिजगजों की एंट्री हो गयी अब गौर खेमे की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब व्यापारियों के साथ हमालों ने मारपीट की तो उन्हें गौड़ खेने ही बचाया था ऐसे में शुभारम्भ कार्यक्रम में मालिनी गौड़ का नाम नहीं होने पर गौड़ खेमे में काफी नाराजगी है उधर कई तरह का फीडबैक मिलने के बाद अब एसोसिएशन ने 31 सितंबर को ट्रेड फेयर के बम्पर ड्रॉ का कार्यक्रम आयोजित किया है इसमें विधायक मालिनी गौड़ को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्षद मीता राम बाबू राठौर को भी आमंत्रित किया है खास बात यह है की बम्पर ड्रॉ कार्यक्रम के अलग से कार्ड प्रकाशित कर वितरीय किए गए हैं मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष हंस जैन का कहना है की शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान विधायक गौर विधानसभा सत्र में व्यस्त थी इसलिए उनका आना संभव नहीं था अब चूंकि उनके पास समय है इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया उधर गौर समर्थकों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक कार्यक्रम में आए या ना आए शहर में हो या ना हो लेकिन उनका नाम तब आमंत्रण कार्ड में होना था